डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा, रंजीत रंजन को राज्यसभा भेजकर असल में महिला सशक्तिकरण को दिखाया है कांग्रेस ने। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव मिथिला पुत्र की धर्मपत्नी एवं कांग्रेस के पूर्व सांसद सौ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सौ रिटर्निंग ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर को सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा राज्यसभा भेजने के फैसले का स्वागत करते हुए दरभंगा जाप जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि असल में महिला सशक्तिकरण को मजबूती के साथ धरातल पर उतारने के लिए कांग्रेस के आला कमान के इस निर्णय का दिल से स्वागत करता हूं। ज्ञात हो कि डॉक्टर मुन्ना खान ने पूर्व सांसद श्रीमती रंजीत रंजन को राज्यसभा भेजे जाने के फैसले की खबर सुनते ही जन अधिकार पार्टी लो के कार्यकर्ताओं को अपने आवासीय कार्यालय पर बुलाकर मुंह मीठा कराया। सबसे पहली बात यह है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है और रंजीत रंजन कांग्रेस के साथ सदा निष्ठा और मंदिर के साथ वो खड़ी रही और एक ऐसी मजबूत महिला जो महिलाओं की आवाज के लिए हमेशा तत्पर रही और सांसद के अंदर में जबरदस्त तरीके से आवाज उठाती रही। आप आज देख सकते हैं केंद्र सरकार का एक स्लोगन बन के रह गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस यही रह गया है। ये कि धरातल पर नजर नहीं आता, लेकिन कांग्रेस के आला कमान का मैं दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने रंजीत रंजन जैसी मजबूत महिला को सांसद के रूप में राज्यसभा भेजा। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कम्प्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।